हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टार्टर मोटर के पार्ट्स और कहाँ लगता है, वो कैसा होता है देखने में और उसका नाम क्या है, इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं स्टार्टर मोटर के पास। इसका देखिए, यहाँ पे पूरा सामान जो है खोल करके मैं अलग अलग करके रखा हूँ ताकि आपको इसका पूरा डिटेल्स में बता सकूँ कि कौन क्या है। और देखिए, यहाँ पे ये है हाउसिंग, इसका नाम है हाउसिंग, ठीक है। ये हाउसिंग है, इसमें एक बूस होता है। देखिए, यहाँ पे बूस लगा हुआ है, पीला कलर का दिख रहा होगा। यहाँ एक बूस होता है जो ये जो है आर्मेचर, इसको ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। बूस रहता है कि ये अपने लाइन में एकदम रहे, ठीक है, ये इधर उधर ना हो। जैसे ये जो है, ये थोड़ा सा भी अगर हिल गया तो बॉडी में लग जाएगा और डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हाउसिंग, इसका नाम है हाउसिंग। इसमें एक बूस होता है और यहाँ लगता है सोलेनाइड स्विच। देखिए, यहाँ पे सोलेनाइड स्विच है, ये यहाँ पे लगता है, ओके। तो ये हाउसिंग हो गया। और ये है सेंटर प्लेट, इसको सेंटर प्लेट बोला जाता है। और इसमें भी एक बूस होता है, देखिए यहाँ पे एक बूस है। इस बूस का नाम है सेंटर प्लेट बूस। और इसमें जो बूस था उसका नाम है हाउसिंग बूस, ठीक है। ये हाउसिंग बूस है, ये सेंटर प्लेट बूस है और ये सेंटर प्लेट है। ये यहाँ लगता है, यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे लगता है। और यहाँ देखिए, ये जो है ये बेंडेक्स है, ठीक है, इसे पिनियन भी बोला जाता है। ये बेंडेक्स है, ये एक तरफ घूमेगा और एक तरफ नहीं घूमेगा, क्योंकि एक तरफ घूमेगा तो फिर स्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेंडेक्स हो गया। और यहाँ पे देखिए, एक रबड़ रखा हुआ है जो यहाँ पे हाउसिंग में लगता है, यहाँ हाउसिंग में लगता है, ठीक है। यहाँ ऐसे ऐसे यहाँ पे हाउसिंग में लगता है, ओके। तो ये रबड़ हो गया। और यहाँ देखिए, एक बोल्ट है, इसको बोला जाता है फ्रॉक एडजस्टिंग बोल्ट। ये यहाँ पे लगा होता है, देखिए, ये जो है इसको एडजस्ट करता है। ये देखिए, ये इसी को एडजस्ट करता है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, ठीक है। ये इसको आप टाइट कीजिएगा जब इसमें लगा करके, तो ये ऐसे आगे पीछे होगा। और ये जो है, ये यहाँ पे होता है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे होता है। और ये इसका काम है बेंडेक्स को बाहर निकालना। और देखिए, ये यहाँ पे लगा होता है और ये ऐसे होगा, ठीक है। इसके बारे में मैं अभी सिर्फ इसका थोड़ा नाम वाम बता दे रहा हूँ, लेकिन इस पर मेरा फुल डिटेल्स में वीडियो आएगा हर चीज़ पे, फ्रॉड के बारे में, हाउसिंग के बारे में, पिनियन जो है, ये पिनियन है इसके बारे में, ये आर्मेचर है इसके बारे में, हर चीज़ पे मेरा फुल डिटेल्स में वीडियो आएगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ थोड़ा उसके बारे में बता दे रहा हूँ। तो ये हो गया फ्रॉड और ये उसका एडजस्टिंग बोल्ट हो गया। और यहाँ पर देखिए, ये पिस्टन है और ये है सोलेनाइड स्विच, ठीक है। ये पिस्टन इसका हो गया, ये ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे खींचता है। तो ये जैसे ही खींचेगा, ये इसमें लगा होगा, ये जैसे ही खींचेगा तो ये ऐसे पिनियन को बाहर निकाल देगा। तो ये हो गया। और ये है, ये हो गया आर्मेचर। देखिए, ये आर्मेचर है, ये यहाँ पे देखिए, ये कम्यूटेटर है, ठीक है। और इसको बोला जाता है शाफ्ट, ठीक है, आर्मेचर शाफ्ट कम्यूटेटर। अब देखिए, यहाँ पे अभी तो हर स्विच में, हर जो है स्टार्टर मोटर में लगा करके आ रहा है। ये है 4ST रिले, इस पर डिटेल्स में मेरा वीडियो है, मैंने उस वीडियो में पूरा फ्यूल डिटेल्स में इसको कनेक्शन करके बैटरी से और इसको ऑपरेट करके दिखाया हूँ कि इसका काम क्या है, ये इसको कैसे चेक किया जाए कि ये ख़राब है, इसका काम क्या है, ये कैसे काम करता है, ये इसमें कनेक्शन कैसे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं इसके पूरा फुल डिटेल्स के बारे में। अब यहां पे देखिए, ये हो गया फील्ड कॉयल बॉडी, ठीक है, ये बॉडी हो गया, अंदर में फील्ड कॉयल है, अंदर में चार कॉयल होगा। देखिए, यहां पे दिख रहा होगा, अंदर में चार कॉयल है। और यहां पे देखिए, दो ब्रश लगा हुआ है, ये दोनों मेन पोल का ब्रश है और ये है मेन पोल जो यहां पे स्विच में लगता है, ठीक है। और ये मेन पोल हो गया, इसमें दो कार्बन ब्रश हो गया, ये कार्बन ब्रश है, ठीक है। और यहाँ देखिए, ये हो गया लॉक,
इसको लॉक बोला जाएगा। ये है पिनियन लॉक, ये पिनियन लॉक है जो यहाँ पे ऐसे लॉक होता है। देखिए यहाँ ये लॉक हो जाएगा, यहाँ पे जगह दिया हुआ है लॉक करने के लिए, ठीक है। ये लगा करके लॉक किया जाता है इसको कि ये बाहर ना निकल जाए। तो ये हो गया। यहाँ फ्रेंड देखिए ये है रॉकर, इसको रॉकर बोला जाता है। इसमें देखिए इसमें कितना चीज़ है, ये दो ब्रश हो गया, ठीक है। ये ग्राउंड का ब्रश है, मतलब ग्राउंड जो अर्थ होता है उसका है, और यहाँ दो मेन पोल का है, ठीक है। ये दो ग्राउंड का ब्रश है और इसको बोला जाएगा ब्रश होल्डर, और ये स्प्रिंग है जो ब्रश होल्डर को दाब करके रखता है कम्यूटेटर में, ये यहाँ पे लगता है, ठीक है। ये दोनों ब्रश होल्डर ऐसे ओके, ये इसमें कम्यूटेटर आ जाएगा। और ये पूरा ग्राउंड है, यहाँ पे एक दो, यही दो पोल मेन का है। यहाँ पे देखिए ये फाइबर है, ठीक है, ये दोनों फाइबर है ताकि मेन और ग्राउंड आपस में टच ना हो जाए, इसलिए दिया हुआ है। ये ब्रश हो गया, ये ब्रश होल्डर हो गया, ये स्प्रिंग हो गया, ये पूरा जो है ये रॉकर है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दो वाशर दिख रहा है, एक फाइबर का है, यहाँ पे देखिए ये फाइबर का है और ये स्टील का है, ठीक है। ये इसका नाम है कम्यूटेटर फाइबर वाशर, ये है कम्यूटेटर फाइबर वाशर और ये है कम्यूटेटर स्टील वाशर। ये यहाँ पे लगा होता है, ये देखिए ये कम्यूटेटर हो गया, तो नीचे में होगा फाइबर वाशर और उसके ऊपर होगा स्टील वाशर, ठीक है। ये क्यों लगा होता है, क्या ज़रूरत है इसका, वो सब मैं आने वाला वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स यहाँ देखिए एक कैप दिख रहा होगा, ये है रॉकर कैप, ठीक है। ये सबसे ऊपर में लगा होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बुश भी लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक बुश लगा हुआ है, इसको ये बुश का नाम है रॉकर कैप बुश, ठीक है। ये कैप का बुश है और ये लगा होता है ऐसे, देखिए एकदम फ्री घूम रहा है, ठीक है। देखिए एकदम फ्री घूम रहा है, ये थोड़ा सा भी इसमें प्ले नहीं है और नहीं होना चाहिए। ये यहाँ लगता है ये दोनों लगाने के बाद, और फिर उसके बाद जो है उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लॉक है, आर्मेचर लॉक इसको बोला जाता है। ये लगने के बाद जैसे ये यहाँ पे लग गया और फिर ये लॉक लगाया जाता है, ठीक है। ये लॉक हो गया, ठीक है, और लॉक लगा करके उसका कैप यहाँ पे लगा दिया जाता है ताकि लॉक जो है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। ये लॉक जो है लगाया जाता है ताकि आर्मेचर सामने ना चला जाए, आगे ना चला जाए, ठीक है। ये बस इसको लॉक करने के लिए, ठीक है। ये हो गया कैप और ये हो गया इसका लॉक, ये देखिए ये लॉक हो गया और ये हो गया उसका कैप। फ्रेंड्स मैंने जितना भी चीज़ है सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया हूँ कि ये क्या है और कहाँ लगता है, कहाँ लगता है ये भी आपको अभी पूरा तरह से मालूम नहीं चला होगा, क्योंकि ये मैं एक दिन सेट करूँगा और एक एक को कहाँ लगता है, कैसे लगता है, इसमें क्या क्या होना चाहिए, सारा चीज़ मैं उस वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि एक वीडियो में पूरा चीज़ नहीं कवर हो सकता है। यहाँ पे देखिए तीन बूस है, ठीक है, वो तीनों बूस एकदम सही होना चाहिए, सबसे पहले वो हम चेक करते हैं। तो वो ये सब जो है कैसे कहाँ कौन फिट होगा, कैसे क्या चेक किया जाता है, क्या किसका क्या काम है, वो सारा चीज़ मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी मैंने सिर्फ इसके बारे में थोड़ा बताया हूँ, आके कौन क्या है नहीं है उसके बारे में आप जान लें, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा इसके फुल डिटेल्स के ऊपर तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, बस इसीलिए।